हे गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल फ्रेंड्स, अच्छे हैं? जी हाँ, मैं भी अच्छा हूँ। आज को एक और कमाल के वीडियो के संग वापस। न्यू स्क्विड गेम मोड में टेडी ग्लिच है, आप उसके पैरों के अंदर जा सकते हो। अच्छा, ऐसा है क्या? चलिए देखते हैं। अरे हाँ यार, यहाँ पे तो स्टडी के पैर पे तो ग्लिच है एंड हम इसके अंदर आ सकते हैं। नाइस, इसका मतलब ये है कि ये वाला मैथ कंफर्म्ड है। स्टेप 1, न्यू रिएक्ट सर्वाइवल मोड लगाओ। स्टेप 2, अब मैच का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होने दो। रिजल्ट, स्टार्ट लाइन के पास कुछ बंदे एक ही जगह पे रुके होंगे, यानी कि वो ऑफलाइन होंगे। क्या यार, ऐसा भी होता है क्या? चलिए देखते हैं। वाह यार, यहाँ पे तो आपकी बात बिल्कुल सच है। यहाँ पे तो मैच स्टार्ट होने के बाद ही कुछ बंदे ऑफलाइन खड़े होते हैं। इट मींस दिस मिथ इज कंफर्म्ड। न्यू मिरर वर्ल्ड आइलैंड पर आओ। स्टेप 2, अब अपने टीममेट को बोलो कि डिस्कनेक्ट हो जाएं। स्टेप 3, एनिमी को बोलो अपने डिस्कनेक्ट टीममेट को मारें। रिजल्ट, ऐसा करने से आपका टीममेट आपको हवा में शो होगा। ओ भाई साहब, कमाल का मत लग रहा है यार, चलिए ट्राई करके देखते हैं। ओके, तो हम इस आइलैंड पर आ गए हैं, अभी आइए टीममेट को बोलते हैं कि डिस्कनेक्ट हो जाए। Alright, तो यहाँ पे हमारा टीममेट डिस्कनेक्ट हो चुका है, अभी आइए टीममेट को मार के देखते हैं। अरे नहीं यार, यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हमारा टीममेट तो बिल्कुल नॉर्मली लैंड हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये वाला मैथ पस्टेट है। गाइज, आप में से काफी सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि विपेक्स भाई, कोई ऐप ऐसा बताओ यार जिसमें BGMI का फ्री टूर्नामेंट्स खेलकर हम पैसे जीत सकें। मेरी जान, सिर्फ एक ही ऐप है ऐसा जिसमें आपको फ्री BGMI के टूर्नामेंट्स मिलते हैं। इसका नाम है दोस्तों विंजो। विंजो में आप बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के टूर्नामेंट्स खेल सकते हैं। विंजो में आपको बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के टूर्नामेंट्स देखने को मिल जाएंगे जिसमें आप फ्री एंट्री कर सकते हैं। आज रात 8:30 बजे मैं भी टूर्नामेंट में आने वाला हूँ। अगर आप मेरे अगेंस्ट खेलना चाहते हैं तो फटाफट से आ जाइए। और हाँ, चिकन डिनर के 300 रुपए मिलेंगे, इसलिए पार्टिसिपेट करना मत भूलना। इसमें बाकी देखिए बहुत सारे गेम्स हैं जहाँ ढेर सारे पैसे आप कमा सकते हैं BGMI में फ्री UC लेने के लिए। यहाँ आप में से डेली 10 लोगों को फ्री फायर के लिए फ्री कोरोनो मिल सकता है। BGMI प्लेयर डेली रॉयल पास जीत सकते हैं। और हाँ, जो गेम में पैसे आप जीतेंगे ना, वो आप पेटीएम या बैंक में विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो भाई देरी मत कीजिए, जल्दी से डाउनलोड कीजिए विंजो और आज ये टूर्नामेंट खेल लें। आज तो मैं भी आऊंगा आपके संग 1v1 करने के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो देरी नहीं। स्क्विड गेम मोड लगाओ एंड मर जाओ। अब आप जिस बंदे को एक्सपेक्टेड करोगे उसकी प्रोफाइल में आपका कैरेक्टर दिखाई देगा। ओके, चलिए देखते हैं। वेल, यहाँ पे हमने स्क्विड गेम मोड लगा लिया है एंड अभी आइए मर के देखते हैं। एंड यस, यहाँ पे जिस बंदे को हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं उसकी प्रोफाइल में तो हमारा कैरेक्टर शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वाला मैथ कंफर्म्ड है। कैंप में अगर आप मॉन्स्टर्स को मारते हो तो वो लूट ड्रॉप करते हैं, एंड अगर आप उस लूट को जल्दी नहीं उठाओगे तो वो लूट गायब हो जाएगी। अच्छा चलिए देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे हम कैंप पे आ गए हैं, अभी आइए इन मॉन्स्टर्स को मार के देखते हैं। अरे यस यार, यहाँ पे जिन मॉन्स्टर्स को हमने मारा था उनकी लूट थोड़ी देर बाद गायब हो गए। ग्रेट ब्रो, यानी कि अगर हम जल्दी से लूट नहीं उठाते हैं तो वो लूट गायब हो जाती है। इट मींस दिस मिथ इज कंफर्म। स्टेप 1, कोई भी घर के कॉर्नर पे आओ। स्टेप 2, FPP स्विच करो। स्टेप 3, अब स्प्रिंट प्लस जंप बटन एक साथ प्रेस करो। रिजल्ट, ऐसा करने से आप वॉल के आर पार देख सकते हो। वाओ यार, ऐसा क्या, चलिए जल्दी से ट्राई करके देखते हैं। वेल, यहाँ पे हम इस घर के कॉर्नर पे आ गए हैं, अभी आइए FPP स्विच करके जंप करके देखते हैं। अरे नहीं यार, यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं हुआ एंड हमें वॉल के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब ये है कि ये वाला मैथ बस्टेड है। स्पाइडरमैन नो वे होम कोलैबोरेशन का स्टिकर ऑलरेडी गेम के शॉप में आ गया है। अच्छा ऐसा है क्या, चलिए शॉप में जाके देखते हैं।
वाव यार, यहाँ पे तो स्पाइडरमैन नो वे होम वाला स्टीकर तो पहले ही गेम में आ चुका है। वेल देखिए, बहुत ही जल्दी हमें नो वे होम का मोड भी गेम में देखने को मिलने वाला है। तो आप में से भाई कितने लोग इस मोड को खेलने के लिए एक्साइटेड हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी ये वाला मिथ कंफर्म्ड है। स्टेप 1, मिरर वर्ल्ड मोड लगाओ। स्टेप 2, एनिमी को कैरी करो। स्टेप 3, पानी में जाओ। रिजल्ट, ऐसा करने से एनिमी को कुछ भी नहीं होगा। यार देखिए, जहां तक मुझे लग रहा है कि एनिमी तो किल हो जाएगा, बट देखिए ट्राई नहीं किया तो आइए ट्राई करके देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता है। वेल यहाँ पे हम टीममेट के ऊपर ट्राई करेंगे। आइए सबसे पहले टीममेट को नॉक करके देखते हैं। अरे ब्रो, यहाँ पे तो हमारा टीममेट फिनिश हो गया, एंड अगर टीममेट के अलावा एनिमी भी होता तो यही होता। इसका मतलब ये है कि ये वाला मिथ बस्टेड है। अब लिविक के मिरर वर्ल्ड मोड में भी निबस आइलैंड आ गया है। भाई ये कब हुआ यार? देखिए जहां तक मुझे याद है लिविक मैप में निबस आइलैंड नहीं आता था, लेकिन आपने बोला है तो आइए भाई देख लेते हैं। यस ब्रो, आपकी बात तो सच है। अब लिविक मैप के अंदर भी हमें निबस आइलैंड देखने को मिलता है। इसका मतलब यह है कि ये वाला मैथ कन्फर्म्ड है। अगर आप नॉर्मल एरेंगल में प्रोसेस स्नो को हाथ में लेंगे तो वो शो नहीं होगा। अच्छा ऐसा क्या, चलिए देखते हैं। यस ब्रो, यहाँ पे हमने जैसी प्रोसेस स्नो को हाथ में लिया तो हमारे हाथ में स्नो शो ही नहीं हो रहा है। नाइस, इट मीन्स दिस मिथ इज कन्फर्म्ड। स्टेप 1, विदाउट मोड वाला एरेंगल मैप लगाओ। स्टेप 2, अब मैप में आपको ऑरेंज मार्क शो होगा। रिजल्ट, जैसे ही आप उस ऑरेंज मार्क पे जाओगे आपको वहां पे फायरवर्क्स देखने को मिलेंगे, एंड आप उन्हें यूज भी कर सकते हो। अच्छा ऐसा है क्या, चलिए लेट्स ट्राई। वेल यहाँ पे हमने नॉर्मल एरेंगल लगा लिया है, अभी आइए उस ऑरेंज मार्क पर चलते हैं। वाओ ब्रो, यहाँ पे तो सच में यार फायरवर्क्स है जो कि यार काफी कमाल है। ग्रेट ब्रो, इसका मतलब ये कि ये वाला मैथ कंफर्म्ड है। स्टेप 1, न्यू स्क्विड गेम मोड लगाओ। स्टेप 2, अब ब्लू लाइन के पास आके अपनी स्प्रिंट लॉक करो। स्टेप 3, अब अपनी जॉयस्टिक को लेफ्ट राइट मूव करो। मेक श्योर आपके आजू बाजू कुछ बंदे हो। रिजल्ट, ऐसा करने से ग्लिच से आप ब्लू लाइन के अंदर चले जाओगे मैच स्टार्ट होने से पहले। वॉइस अप सुनने में यार काफी खतरनाक मत लग रहा है, चलिए ट्राई करते हैं। ठीक है ओके, तो यहाँ पे हम आ गए हैं, अभी आइए ट्राई करके देखते हैं। वेल यार, काफी ट्राई करने के बाद हम यहाँ पे इस ब्लू लाइन के बाहर तो आ गए एंड यहाँ अटक गए हैं। अब देखिए, ऐसा हो सकता है कि BGMI ने इस ग्लिच को फिक्स कर दिया होगा, बट हम इस ब्लू लाइन के बाहर आ गए हैं, इसलिए ये वाला जो मिथ है ये कन्फर्म है। स्टेप 1, न्यू मिरर वर्ल्ड मोड लगाओ। स्टेप 2, अब निबस आइलैंड के पोर्टल के पास आओ। स्टेप 3, अब जैसे ही उसके ऊपर आओगे आपके TPP बटन को FPP स्विच करो। मेक श्योर ऊपर आपको जिनेक्स करेक्टर मिले तभी ये ट्रिक वर्क करेगी। रिजल्ट, जैसे ही आप FPP स्विच करेंगे आपको ऊपर ड्रोन व्यू दिखाई देगा। यार ये मिथ काफी खतरनाक मिथ लग रहा है, चलिए इसे ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, अरे गजब ब्रो, यहाँ पे हमारा व्यू तो ड्रोन व्यू में कन्वर्ट हो गया। ग्रेट यार, इसका मतलब ये है कि ये वाला मिथ कन्फर्म्ड है। खैर इस मिथ के लिए लाइक तो बनता ही है। स्टेप 1, लॉबी में न्यू रिएक्ट मोड सेलेक्ट करो। स्टेप 2, अब अपने फ्रेंड लिस्ट से कोई भी फ्रेंड को इनवाइट करो। रिजल्ट, आपको टीम इज फुल मैसेज शो होगा। अच्छा चलिए देखते हैं। अरे हाँ यार, यहाँ पे तो हमें टीम इस फुल मैसेज दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि ये वाला मैथ कंफर्म्ड है। लिविक मैप में न्यू वाला किल मैसेज नहीं आता है। ओके ऐसा है क्या, चलिए ट्राई करके देखते हैं। वेल सबसे पहले यहाँ पे एरेंगल मैप को देख लेते हैं। ओके तो अभी आइए लिविक मैप में किल करके देखते हैं। हाँ ब्रो, यहाँ पे तो लिविक मैप में पुराना वाला ही किल मैसेज शो होता है,
इसका मतलब यह है कि ये वाला मैच कंफर्म है। न्यू एरेंगल को लॉबी में जो स्नोमैन है उसके क्लोज में एक इनविजिबल वॉल है जो स्नोबॉल थ्रो करने पर ही दिखाई देती है। क्या ऐसा है, चलिए देखते हैं। वेल यहां पे हम स्नोमैन के पास आ गए हैं, आइए स्नो थ्रो करके देखते हैं। हाँ यार, यहाँ पे तो एक इनविजिबल वॉल है। जैसे ही एनिमी ने फायर किया उसकी बुलेट्स तो भाई उस इनविजिबल वॉल पर लग रही है। नाइस, इसका मतलब ये है कि ये वाला मैच कंफर्म है। स्टेप वन, हाथ में ग्रेनेड लेके एफपीपी स्विच करो। स्टेप टू, अब ग्रेनेड को कुक करके टीपीपी स्विच करो। स्टेप थ्री, एंड ग्रेनेड को कैंसिल करो। रिजल्ट, ऐसा करने से ग्रेनेड ग्लिच हो जाएगा एंड आप फिनिश हो जाएंगे। यार ये कैसा मैच है, चलिए ट्राई करके देखते हैं। वेल यहाँ पे हमारे पास ग्रेनेड है, अभी आइए आपने जैसा बोला वैसा करके देखते हैं, ठीक है। अरे हाँ यार, यहाँ पे तो हम सच में मर गए। वैसे यार यहाँ पे हमने ग्रेनेड को कैंसिल कर दिया था, बट फिर भी क्लिच के कारण ये ब्लास्ट हुआ। इसका मतलब ये है कि ये वाला मैच कंफर्म है। अगर आप एंड आपका टीममेट न्यू स्क्विड गेम वाला मोड एक साथ स्टार्ट करेंगे तो दोनों ही एक मैच में आओगे। अच्छा ऐसा है क्या, चले ट्राई करते हैं। वेल यहाँ पे हमने दोनों डिवाइस एक साथ न्यू स्क्विड गेम मोड को लगा दिया है, अभी आइए देखते हैं कि क्या होता है। वाह यार, यहाँ पे तो हम दोनों एक ही मैच में आ गए हैं। ग्रेट, यानी कि अगर हम गेम को एक साथ स्टार्ट करते हैं तो हम एक ही मैच में आ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि ये वाला मैच कंफर्म है। स्टेप वन, किसी भी वॉल के पास जाओ। स्टेप टू, अब स्मोक को लो टॉस करके वॉल के क्लोज में थ्रो करो। स्टेप थ्री, अब आप स्मोक बाजू में आके बैठ जाओ। रिजल्ट, ऐसा करने से आपको स्मोक आर पर दिखाई देगा एंड आप एनिमी को सरप्राइज अटैक भी दे सकते हैं। अच्छा ऐसा है यार, ये बड़ा हेल्पफुल मैच लग रहा है, चलिए ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। Yes bro, सच में यहाँ पे तो हमें स्मोक अंदर से बाहर का सब कुछ दिखाई देता है एंड इसी ट्रिक की मदद से हम एनिमी को सरप्राइज अटैक दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ये वाला मैथ कन्फर्म है। गाइज, ऐसे और मिथबस्टर्स के पार्ट देखने हैं तो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे, बाकी विंडो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा।